योतान तालुक तहकीकत शुक्र मे गुन अर्ज कि बच्चे तवलब इलम तम अदारस मन जैर निगरानी प्रिंसिपल असातिज़ा किराम तवे हुकुम कि उस्ताद सुन करियो एहतराम चाहे सह कुन तहि मजहबुक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन बुईस्तु मुअल्लिमन मुझे मुअल्लिम की हैसियत से पैदा किया गया है। मुअल्लिम का इसीलिए बहुत बड़ा दर्जा है। शेख मकतब है एक इमारत घर, मकतब का जो शेख है उस्ताद है वो एक इमारत घर है, वो भी एक इमारत तामीर करता है, मगर जिसकी सन्नत है रूह इंसानी वो तख्लीक परवान कहता है। रूह इंसानी को वो तरबियत करता है इंसानियत की इखलाकियात की। तो जहां तक ताल्लुक है इस हवाले से ये बात हम लाजमन यहां अर्ज करेंगे कि जो स्कूल जो कॉलेज मैनेजमेंट है जिन्होंने इंतहाई बेरुखी की है इसके वालिद से, जबकि ये वाका सुनने के बाद वालिद ने बड़ी कोशिश की कि अदारे के उस प्रिंसिपल से राबता किया जाए और हकायक को मालूम किया जाए, लेकिन उन्होंने लापरवाही का सबूत दिया। लिहाजा इस अजीम इज्तिमा में हम उस कॉलेज की मैनेजमेंट को उस प्रिंसिपल को पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। क्या आप इसकी तायद करते हैं? और हम ये चाहते हैं इसकी सही तहकीकात हो ताकि जो कसूरवारान हैं जो कल्प्रिट्स हैं उनको करारे वाकई सजा दी जाए। इस वक्त ये एक ही वाका नहीं, बहुत सारे वाकात वो गुजरे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। हम ये समझते कि उस कॉलेज मैनेजमेंट ने वहां के प्रिंसिपल ने अदारे के सरबराह ने किसी किस्म का कोई नोटिस लिया हो। बहरहाल मैं फिर अर्ज करूंगा हमें सबर का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, सबर ही है, क्योंकि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तालीम है। हमें कुरान ने कहा फासबिर सबरन जमील, सबर करो, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके मुतल्लिक बात ही नहीं कर सकते, उनको पूछ ही नहीं सकते। अगर जो वहां पर पर्चा चाक हुआ है उसकी सही तहकीकात होनी चाहिए। ये एक बच्चे का मसला नहीं है, बल्कि बहुत सारे तलाब जो हैं इस वक्त भी मुख्तलिफ जगहों के जम्मू कश्मीर के वहां जेर तालीम है। तलबा की आपसी मोहब्बत, इसकी मिसाल मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इसके बहुत सारे साथी इसको साथ आए, उनका कहना है कि बहुत शरीफ लड़का था और अक्सर अपने साथियों के साथ रहता था। कोई झारखंड से है, कोई पंजाब से है, कोई और किसी इलाके से है। उनकी मोहब्बत और शफकत को हम दाद देते हैं कि वालिद के कहने के बावजूद कि बेटा दूर है यहां से जम्मू कश्मीर, आप मत आइए, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपनी शफकत का इजहार किया और वो इस बच्चे के साथ यहां आए और अपने
उस अकीदे को जो तलाब का आपसे राबता होता है, मोहब्बत होती है, शफकत होती है, जिसे हम कलाम से लोग कहते हैं, हम जमात, वो उन्होंने सबूत दिया। काबिल तारीफ हैं वो बच्चे जो इस दौर में भी, इस गए गुजरे दौर में भी साथ आए। बहरहाल दुनिया फानी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप में से कोई हादिसतन या ऐसे ही दुनिया में, दुनिया से तशरीफ ले जाए, तो आप पर हक है उसका कि उसके लिए आप मगफिरत की दुआ करें। हम अक्सर देखते हैं कि अगर कोई जनाजे में नहीं पहुंच सकता है, हम कहते हैं नहीं जी, वो जनाजे में नहीं आया, हो सकता है बीमार हो सकता है इतला पूरी उसके पास न पहुंची हो, वो घर में भी मगफिरत की दुआ कर सकता है। ये इस्लाम है, इस्लाम अजीम दीन है, वहां से भी अल्लाह से वो मगफिरत की दुआ कर सकता है। और अगर जनाजे में नहीं पहुंचा तो घर से दुआ मगफिरत करे, क्योंकि अल्लाह की जात करीम है, रहीम है, अफू और दरगुजर करने वाली जात है, वो समीत दुआ, वो दुआ को सुनता है। लिहाजा हमें घर से भी हम मगफिरत की दुआ कर सकते हैं। इस वक्त एक जनाजा जो हमने यहां पर पढ़ना है कि लोगों की भारी अक्सर जो यहां पर भी मौजूद है और दूसरे जनाजे के लिए इसके अहले करिया ने फैसला लिया कि हम यहां पर भी दूसरा जनाजा लेंगे। तो जितनी दफा हम मगफिरत की दुआ करें, जितनी दफा हम अल्लाह ताला से मगफिरत मांगे, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करता है। मिश्कातुल मसाबी के औसत की हदीस, जब बेटा वालदेन के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसे भी अजर अता करता है और उसके वालिद की मगफिरत करता है। अब यहाँ वालदेन का दर्जा जो है बहुत बड़ा है, वालदेन की दुआ जो है वो एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला कबूल ही करता है। लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी कि सुबह शाम जोहर पर असर पर कुरान पाक की तलावत करें और उसके बाद जिस कदर आप कुरान पढ़ सकें। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाता है फकरु मा तयसर मिनहु, कुरान पाक उतना पढ़ो जो आसान हो। उसके बाद मगफिरत की दुआ करो तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर मगफिरत फरमाएंगे। और बच्चे के साथियों ने बताया कि इंतहाई शरीफ नफ्स बच्चा था, तो मेरी यही गुजारिश है कि आखिरी यही है कि मगफिरत की दुआ, क्योंकि यही एक बात है जो इंसान को धारस देती है, यही एक बात है जिससे बंदे की मगफिरत होगी। असल मामला है मगफिरत का, इसीलिए मगफिरत की दुआ जो है कसरत से पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला से यकीन कामिल रखना चाहिए कि हमने मगफिरत की दुआ की तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दुआ जरूर कबूल होगी और अल्लाह ताला इसके हक में जरूर मगफिरत फरमाएंगे। यकीन कामिल के साथ जब हम अल्लाह से मांगेंगे
यकीन कामिल के साथ जब हम अल्लाह ताला के सामने दुआ करेंगे, जब भी हम दस्त बदुआ होंगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस मरहूम की मगफिरत करेगा। हाँ, जहाँ तक लेन देन का ताल्लुक है, इस हवाले से वालिद की तरफ से ऐलानन ये बात कही जा रही है कि लेन देन का जो मसला है वालिद को मुतल्ला किया जाए अगर किसी का है, ताकि ये कर्जा जो है उसका अदा करेंगे, और कर्जा अदा करना लाजमी है। असल चीज मकरूज का जनाजा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा, तो लिहाजा उसके लिए वालिद की तरफ से ऐलानन ये बात कही जा रही है। अगर किसी का भी कुछ है तो इनको आप इतला करें, और अगर किसी के साथ कौली फैली कोई बात हुई हो तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसकी मगफिरत फरमाए। करें हम जनाजा। ज्यादा बदाय पास पाथे।